इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इनडिटर्मिनेसी के बारे में। इनडिटर्मिनेसी स्टैटिक या काइनेमेटिक हो सकती है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंबर्स स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले बीम्स होती हैं। बीम्स हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं जो कि वर्टिकल लोड कैरी करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स। ये वही है जिसको हम जनरली फ्रेम्स बोल देते हैं, इसी को रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स भी बोलते हैं। और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम्स है वर्टिकल, ठीक है, ये 3 कॉलम्स हैं और 2 बीम्स है इसमें, ठीक है। और इसी को बोल देंगे हम फ्रेम। उसके बाद आते हैं पिन जॉइंटेड फ्रेम्स। पिन जॉइंटेड फ्रेम्स के लिए जनरली हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रस, ठीक है। ट्रस जो है उसी को पिन जॉइंटेड फ्रेम्स बोलते हैं। और इसी इसके जो जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे एक्सियल फोर्स कैरी करती हैं, इनके ऊपर बाकी सारी फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं, ठीक है। और जितने भी जॉइंट्स होते हैं सारे पिन जॉइंटेड होते हैं, और इसीलिए इसको हम पिन जॉइंटेड फ्रेम बोलते हैं। और हमें याद रखना है कि जब भी हम यहाँ पे इनडिटर्मिनेसी के टाइम पे स्पेस फ्रेम अगर बोलते हैं या प्लेन फ्रेम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है, अगर प्लेन फ्रेम बोल रहे हैं तो 2D है, स्पेस फ्रेम बोल रहे हैं तो 3D फ्रेम की बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद आती हैं सपोर्ट रिएक्शंस, जो कि आपको पता ही होगा बट फिर भी हमें इसका यूज़ करना है वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमें याद रखना है कि फिक्स्ड सपोर्ट जो होती है उसकी 3 रिएक्शंस होती हैं, ये ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हिंज होती है जिसकी 2 होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और रोलर सपोर्ट जो होता है उसकी 1 होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये रोलर सपोर्ट जो है इस तरीके से भी हो सकता है, जैसा मैंने यहाँ पे ये एक डायग्राम बनाई हुई है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी दिया जाता है, इसकी भी एक ही रिएक्शन होती है, इस तरीके से वर्टिकल रिएक्शन होगी, और ये जो है ये भी रोलर सपोर्ट ही है, इसकी भी इसकी हम इस तरीके से भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है? अ स्ट्रक्चर सिस्टम दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली इन इज कॉल्ड एज स्टैटिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो जो स्ट्रक्चर्स जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से जिनको एनालाइज किया जा सकता है उसको हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ये सारी हैं, ये सारी की सारी 3D के लिए है। 3D के लिए 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, तो ये सारी की सारी टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ये होती हैं। और 2D के लिए इसमें से सिर्फ 3 इक्वेशंस लगती हैं, 2 ये फोर्सेस हो जाएंगी और 1 हो जाएगा ये सिग्मा MZ इज़ टू 0, ठीक है, मोमेंट। तो ये 2D के लिए 3 होती हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। और 3D के लिए 6 होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसका भी हमें यूज़ करना होगा। अब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, दूसरी होती है इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को अलग से ही कैलकुलेट करना होता है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, और फिर उसके बाद इंटरनल को अलग से करना है और एक्सटर्नल को एक साथ करके, दोनों को अलग अलग करके फिर उसको ऐड कर देना है और टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम अलग से काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है। अब मैं एक बात बता दूँ कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, इसके लिए सारे जितने भी मतलब पिन जॉइंटेड हो या फिर कोई भी हो, जैसे हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं इन सब के लिए सेम फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ये है R-3 और ये हो जाता है 2D के लिए R-3 और 3D के लिए R-6। अब 3 यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। ये यहाँ पे 3D के लिए है 6 और 2D के लिए 3, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ,
ठीक है। अब आर क्या है यहाँ पे, आर है सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यानी कि डी एस सी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसमें अगर हम निकालें एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ये हो जाएगी आर माइनस, यहाँ पे थ्री हो जाएगा क्योंकि ये टू डी है। जनरली आपको क्वेश्चन टू डी में ही दिया जाएगा, थ्री डी में भी हो सकता है बट जनरली टू डी में ही दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस थ्री, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आर के लिए आ जाएगा, आर कितने हो जाएगी, ये यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो थ्री हो जाएगी और थ्री रिएक्शंस हो जाएंगी। ये कौन सा हिंज है, तो यहाँ पे टू आ जाएगी, यहाँ पे भी टू आ जाएगी, ये कितने हो गए, थ्री प्लस टू फाइव, प्लस टू सेवन। ठीक है, सेवन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू फोर, फोर हो गई इसके लिए एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, अब इसके बाद है, अब एक ट्रस का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला यूज करना है। इसमें क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है, ये हिंज है, तो इसके लिए टू रिएक्शंस, इसकी भी टू रिएक्शंस और इसकी भी टू रिएक्शंस, मतलब कि डी एस ई यानी कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हो जाएगी आर माइनस थ्री, यानी कि यह आ जाएगा आर कितनी होगी, सिक्स हो गई, टू प्लस टू प्लस टू सिक्स हो गए, माइनस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री आ गया। ये एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। अब इसके बाद है हमारे पास, अब पहले तो हमें इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी करने से पहले कुछ और चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। ये डबल रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे हमने पहले सपोर्ट्स देखे थे, एक है फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, इस तरीके से हमने देखा था। अब इसके साथ एक और सपोर्ट आता है डबल रोलर सपोर्ट, इसकी दो रिएक्शंस होती हैं जो कि हम देख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिख रही होगी, एक सेकेंड पेन, हाँ, तो इस तरीके से ये आपको रिएक्शन दिख रही है, एक तो इसकी ये वर्टिकल रिएक्शन है और एक मोमेंट है। ठीक है, ये इस तरीके से दो रिएक्शंस आती हैं, एक्सटर्नल रिएक्शंस जो सपोर्ट रिएक्शंस है, तो इसको ही हमें याद रखना है कि इसकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए टू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इंटरनल जॉइंट्स, इंटरनल जॉइंट्स में सबसे पहले आती है इंटरनल हिंज, फिर उसके बाद आता है इंटरनल रोलर और इंटरनल स्लाइडर। सबसे पहले तो इंटरनल हिंज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही स्टार लगा के रखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये तीन होने के बाद आएंगे लिंक और डबल रोलर। अभी हमें ये सब जानने की ज़रूरत क्या है, ये पहले हम जानते हैं। अब इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स क्या होती है, ये इसका फॉर्मूला है, ये है 2D के लिए और ये है 3D के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है 2D के लिए इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या है, 3C माइनस R R। ठीक है, अब यहाँ पे C क्या है, C है कट्स, सिंपली आपको कट्स याद रखना है, कट्स क्या है। अब सी क्या है, सी है कितने नंबर ऑफ हमें कट्स चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, नंबर ऑफ कितने कट्स चाहिए ताकि हम ये स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर बना दें। अगर यहाँ पे मैं एक कट लगाती हूँ तो क्या ये ओपन स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा का पूरा फिगर, नहीं, हमें एक और लगाएंगे तो अब ये ओपन स्ट्रक्चर बन गया बिल्कुल। ठीक है, दोनों के दोनों अगर हम देखें तो यहाँ से ये ओपन स्ट्रक्चर बन गया, मतलब नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिए इस केस में, टू चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने की है, सी की वैल्यू है, मतलब सी जो है वो कट्स है, तो उसकी वैल्यू हमने निकालनी है फिगर को देख के। ठीक है, उसके बाद है आर आर क्या है, रिएक्शन रिलीज, आर आर आ जाएगा नंबर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रिलीज। ठीक है, रिलीज, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज कैसे आएगी, कितनी आएगी। ठीक है, अब इस फिगर में अगर हम देखें तो इंटरनल हिंज जो है, इंटरनल हिंज में क्या होता है, एक इसकी ये प्रॉपर्टी है कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो होती है इंटरनल हिंज में हमेशा, तो रिएक्शन रिलीज कितनी हो जाएगी, अब आपको समझना चाहिए कि रिएक्शन रिलीज कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा। बट आपको हमेशा देखना है कि ये, जैसे अगर हम देखें इस तरीके से एक फ्रेम बना दे, ठीक है, मैं फ्रेम बनाती हूँ और ये इस तरीके से क्लोज्ड है पूरा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से
हमने फिक्स सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। तो हमने अगर हिंज यहाँ पे लगी होगी तो क्या फिर भी आरआर की वैल्यू 1 आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें हमेशा याद रखने हैं इसके दो केसेस होंगे, ठीक है। 2D और 3D के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, हमें फॉर्मूला याद रखने हैं। ये 2D के लिए है, 2D के लिए फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा एम डैश माइनस 1, ठीक है। एम डैश क्या है? एम डैश है कि जो हिंज है उसके साथ कितने मेंबर्स ज्वाइंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस केस में 4 मेंबर्स ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा, ये यहाँ पे इस फिगर के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए हो जाएगा कि RR इज इक्वल्स टू एम डैश माइनस 1 है तो 4 माइनस 1। अगर यहाँ पे अब सिग्मा क्यों लगाए, अगर यहाँ पे दो हिंजेस होती, जैसे यहाँ पे एक हिंज होगी तो ये कितने मेंबर्स के साथ ज्वाइंट है, ये है 2 मेंबर्स के साथ, तो इसमें आ जाएगा प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये सिग्मा इसलिए लगा है ताकि हम जितनी भी नंबर ऑफ हिंजेस है उन सब के लिए आर आर रिएक्शन रिलीज निकाल सके। तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, इसकी वैल्यू इस केस में रिएक्शन रिलीज 4 हो जाएगा। अब 2D के लिए क्या फॉर्मूला, 3D के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 3D के लिए होता है सिग्मा 3 टाइम्स एम डैश माइनस 1, इस तरीके से होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है हमेशा ही, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D वाला बहुत ही रेयर कभी यूज होगा, लेकिन 2D का आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद है इंटरनल रोलर। इंटरनल रोलर के लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 होती है एक तो, और एक होती है एक्सियल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो 0 होती हैं तो इसके लिए रिएक्शन रिलीज हो जाएगी 2, ठीक है। इसके बाद है इंटरनल स्लाइडर। इंटरनल स्लाइडर में सिर्फ शियर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 होती है, तो यहाँ पे रिएक्शन रिलीज हो जाएगी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लिंक। लिंक आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसके एंडिंग में दोनों जगह पे यहाँ पे हिंजेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक लिंक दिखाई देगा। क्वेश्चन में कई बार आपको मेंशन होगा कि ये लिंक है, तो आपको क्या करना है, उसमें रिएक्शन रिलीज निकालनी है। तो शियर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 होगी इस केस में, और बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन रिलीज कितनी आ गई इस केस में? 2 आ गई, ठीक है, लिंक के लिए। अब डबल रोलर जो है, डबल रोलर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, तो इसमें एक्सियल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 होती है, तो इस केस के लिए रिएक्शन रिलीज इज इक्वल्स टू 1 आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल। जैसे कि हमने ये देख ही लिया, तो इसके लिए हमें यहाँ पे आ जाएगा DSI यानी कि इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3C - RR, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसकी यहाँ पे कट्स कितने चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे 3 कट्स की ज़रूरत है। तो RR की रिएक्शन रिलीज कितनी है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज है, ना ही कोई इंटरनल रोलर, कुछ भी नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा सिंपली। तो इसकी वैल्यू 6 आ गई इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की, और एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी भी हम निकाल लेते हैं साथ में, वो हमें पता ही है कितनी होती है। अगर हम देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है R-3 2D के लिए, ठीक है। 3 यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसको हम E करके भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, R- इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस तरीके से, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ 3 हो गया रिएक्शंस, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस 3, यहाँ पे भी 3, तो मतलब कि 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारा टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ जाएगी इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी प्लस एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहीं पे नीचे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्सटर्नल कितनी आई है हमारे पास, एक्सटर्नल 6 आई है, इंटरनल भी 6 आई है, तो ये हो जाएगी 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा कंप्लीट निकाल लेना, ये आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। आपको हमेशा ये एक्सटर्नल वाली भी याद रखनी है, और दोनों कैलकुलेट करके फिर ही बतानी है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद है यहाँ पे, अगर हम इस फिगर को देखो तो यहाँ पे आ जाएगी, पहले हम एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल लेते हैं, R - E इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो R कितनी है, रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे 3 हो जाएंगी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, कितनी हो जाएगी 5 + 1 6।
सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, ये थ्री आ गया। अब इसके बाद है इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो अभी अभी हमने करी है, इसका फॉर्मूला है थ्री सी माइनस आर आर, यानी कि रिएक्शन रिलीज और सी मतलब कट्स। यहाँ पे हमें एक भी कट की जरूरत नहीं है तो हम जीरो ही लिखेंगे सिंपली इसको, जीरो माइनस। अब आर आर देखो यहाँ पे एक आपको चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है, इंटरनल रोलर, और यहाँ पे है हिंज, ठीक है। तो हिंज के लिए अगर इस तरीके से सिंपली आपको दिख रही है तो ज्यादा फॉर्मूलाज वगैरह लिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आपको लगाना है तो आप लगा भी सकते हो, इसको ब्रैकेट लगा देती है। हिंज के लिए हो जाएगा सिग्मा एम डैश माइनस वन होगा ना, तो टू माइनस वन प्लस ये हिंज का हो गया। और अब रोलर के लिए कितना है रिएक्शन रिलीज, इंटरनल रोलर के लिए है टू, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा वन प्लस टू थ्री, यहाँ पे आ गया माइनस थ्री। अब इसकी वैल्यू डी एस यानी कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हो जाएगी, डी एस आई प्लस डी एस ई, एक्सटर्नल और इंटरनल का सम। तो ये आ जाएगी थ्री माइनस, क्योंकि ये है यहाँ पे इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी नेगेटिव है तो मैंने ये बाद में लिखी है, एक्सटर्नल पहले लिख दिया, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। मतलब कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमारी जीरो है, ये आपको याद रखना है। और अगर स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जीरो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है, ठीक है, और डिटर्मिनेट भी है, इसके साथ साथ ये डिटर्मिनेट भी है, मतलब सॉल्व हो सकती है, मतलब कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से हम इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं, डिटर्मिनेट भी है ये, ठीक है। और अगर हमारा ये जो है पॉजिटिव आती है डीएस, जो कि यहाँ पे कितना आया डीएस की वैल्यू, यहाँ पे आई है 12, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, डीएस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर स्टेबल है फिर भी, ठीक है, स्टेबल ज़रूर है बट ये इनडिटर्मिनेट है। अब मैं बहुत ये पूरा नहीं लिखूंगी, इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्टेबल बट इनडिटर्मिनेट। और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, ये भी आप पे ही बता देती हूँ मैं, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मतलब अनस्टेबल है स्ट्रक्चर। और कॉमन सी बात है, डिटर्मिनेट भी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेसी की बात ही नहीं आएगी, स्टेबल ही अनस्टेबल ही हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अब और क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम, यहाँ पे है एक हिंज लगी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे डी एस ई यानी कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, सबसे पहले आपने एक्सटर्नली निकाली है, यहाँ पे टू हो गई रिएक्शंस, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस हो जाएंगी, ये फोर हो गई, ठीक है, ये आ गया आर माइनस ई इज इक्वल्स टू फोर माइनस थ्री, यानी कि वन हो गया। अब इसके बाद है डी एस आई, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, अब कितना हो जाएगा ये 3C माइनस आर रिएक्शन रिलीज, ठीक है, आर आर, और कट्स कितने चाहिए जीरो, माइनस आर आर कितना, हिंच जो है एक लगी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, टू माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ही, ठीक है, तो ये माइनस वन हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, डी एस इज इक्वल्स टू डी एस ई यानी कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, वन माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, ये स्ट्रक्चर भी हो गया स्टेबल और डिटर्मिनेट, ठीक है। अब इसके बाद है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है, अब हम आते हैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी पे, सबसे पहले हम ट्रस से शुरू करते हैं, ये 2D के लिए फॉर्मूला है और ये 3D के लिए फॉर्मूला है। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी के लिए 2D के लिए जो फॉर्मूला है 2J माइनस आर, ये ट्रस के लिए है, आपको याद रखना है ट्रस के लिए 2J माइनस आर। अब 2J क्या है, यहाँ पे J है जॉइंट्स, जॉइंट्स, और R क्या है हमारे पास, R वही जो हम तब से देख रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर लें, डी के यानी कि काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल्स टू 2J माइनस आर, 3D के लिए 3J माइनस आर होता है, ये याद रखना आपको सिंपली। और यहाँ पे आ जाएगा 2J, जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ
और नो, नाइन जॉइंट्स हो जाएंगे, टू इंटू नाइन माइनस रिएक्शन रिलीज कितनी हो, और ये यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है आठ, ठीक है, तो ये आ जाएगा टू, हिंज है तो टू और टू कितना हो गया, ये सिक्स हो गया, टू नाइन सा एटीन माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, ठीक है, ये इस तरीके से आ गई आपकी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, ये आ गई ट्रस के लिए, ठीक है। इसके बाद हम दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट। इसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, डी के इज इक्वल्स टू टू जे माइनस आर, ठीक है, थोड़ा सा पेन वर्केबल नहीं है तो आपको एडजस्ट करना होगा इसके साथ, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, ये यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, ये सपोर्ट रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे वन होगी ना सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पे टू होगी, ठीक है, हिंज और उसके लिए रोलर के लिए, तो जॉइंट्स कितने होंगे, पहले हमें जॉइंट्स काउंट करने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, सेवन जॉइंट्स है, टू इंटू सेवन माइनस रिएक्शन रिलीज थ्री, जो कि मैं बता सकती हूँ और बता चुकी हूँ, टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री, तो ये आ जाएगा टू सेवन ज़ा फोर्टीन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू इलेवन, इसके लिए काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी हो गई इलेवन, ठीक है। उसके बाद है पिन जॉइंटेड फ्रेम जो है यहाँ पे, ये एक और ये भी ट्रस है, ठीक है, तो पिन जॉइंटेड आपको याद रखना है हमेशा ट्रस होता है, तो यहाँ पे आ गया डी के इज इक्वल्स टू, टू डी में है तो टू जे माइनस आर इज इक्वल्स टू टू इंटू जे की वैल्यू है, यहाँ पे जॉइंट्स कितने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, टू इंटू सिक्स माइनस रिएक्शन रिलीज, ये हिंज है टू और रोलर वन, तो मतलब थ्री हो गई, टू सिक्स आर ट्वेल्व माइनस थ्री इज इक्वल्स टू नाइन, ठीक है, यहाँ पे आ गई काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल्स टू नाइन। अब हम चलते हैं फ्रेम्स पे, फ्रेम्स में काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये एक बड़ा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है प्लेन के लिए, ये 2D के लिए है और ये 3D के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जॉइंट तो आपको समझ आ गया कि J मतलब जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट है। अब R क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। M क्या है, यहाँ पे M है मेंबर्स, मेंबर्स, और RD क्या है, आर डी की जगह हम आर रिएक्शन ड्रॉप या रिएक्शन रिलीज है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको आर आर लिख दो, ठीक है, आप इसको आर आर बना दो, रिएक्शन रिलीज, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन रिलीज है, ठीक है, चार चीज़ें हैं इसमें, रिएक्शन रिलीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें चार चीज़ें हैं, जॉइंट, सपोर्ट, मेंबर और रिएक्शन रिलीज। अब मेंबर आपको जो है, बाकी सब तो आपको करना ही पड़ेगा हमेशा, मेंबर आप कब करोगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे मेंबर आपने सिर्फ तब सब्ट्रैक्ट करना है जब मेंबर्स जितने भी हैं सारे इनएक्सटेंसिबल हैं। अगर मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है m। इफ ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल या फिर अगर एक या दो मेंबर्स जितने भी मेंबर इनएक्सटेंसिबल होंगे आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं m। अगर नहीं दिया होगा वैसा कुछ तो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी के, ये काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2D के लिए 3J माइनस R माइनस M प्लस आर आर, और ये 3D के लिए है, तो यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया तो M को हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं और ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है, और 3J जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार, ठीक है, फोर जॉइंट्स हो गए, और आर यानी कि सपोर्ट रिएक्शंस टू टू फोर हो गई, फोर प्लस रिएक्शन रिलीज कितनी आएगी, यहाँ पे हिंज है तो रिएक्शन रिलीज वन हो गई, तो ये आ जाएगा थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व माइनस फोर प्लस वन, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, ठीक है। अब इस केस में देख लेते हैं, डी के इज इक्वल्स टू थ्री जे मतलब थ्री इंटू जॉइंट्स माइनस आर प्लस आर आर, मैंने यहाँ पे m लिखा ही नहीं, माइनस m क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमें जीरो ही लेना पड़ेगा, चलो मैं यहाँ पे जीरो लिख देती हूँ। इफ ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल तब हमें
एम माइनस करने की जरूरत पड़ेगी सारे मेंबर्स, अगर इस क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि इनएक्सटेंसिबल ही है सारे मेंबर्स, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम जो है m की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, ठीक है, m हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे है थ्री इंटू जॉइंट्स कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सिक्स हो गए जॉइंट्स, माइनस रिएक्शन रिलीज थ्री टू और वन, ये आ जाएगी सिक्स, रिएक्शन रिलीज नहीं है, ये r आपको हमेशा याद रखना है, मैं r देख के उसी टाइम बोल देती हूँ रिएक्शन रिलीज, ये है सपोर्ट रिएक्शंस r, और रिएक्शन रिलीज कितनी है, हिंच है, तो इसके लिए यहाँ पे वन हो जाएगा, टू माइनस वन वन हो गया, और ये क्या है, ये है रोलर, इंटरनल रोलर, ठीक है, इसके लिए रिएक्शन रिलीज कितनी होती है, टू और ये वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, एक्सियल फोर्स जीरो होती है एक तो, और बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जीरो होती है, इसके लिए सिर्फ बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है हिंज के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री प्लस थ्री, अब मैंने मेंबर्स जो है इनएक्सटेंसिबल लिए हैं, तो मेंबर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस फाइव भी कर देते हैं, तो यहाँ पे ये सिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, थ्री सिक्स एटीन, और माइनस यहाँ पे सिक्स प्लस थ्री माइनस फाइव इज इक्वल्स टू एटीन माइनस इलेवन हो जाएगा सेवन, सेवन प्लस थ्री, सेवन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू टेन, ये हमारी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, मैं एक न्यू स्लाइड ही लेके आपको बताती हूँ कि आपको हमेशा जो ये बीम्स होती हैं जो, ठीक है, यो जो बीम्स होती हैं, ठीक है, बीम्स में आपको फ्रेम का ही फॉर्मूला लगाना है, बीम्स जो होंगी, बीम्स आपको फ्रेम का फॉर्मूला लगाना है, फ्रेम का ही फॉर्मूला लगाना है, हमेशा याद रखना। और इसके सिवाय मैं आपको बता दूं कि ये एक चीज़ है, लेकिन आप ये पहले एक देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने फ्रेम्स का ही इसमें भी लगाना है कॉन्सेप्ट, और आपने काइनेमेटिक और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालनी है इसके लिए, ठीक है, और आपने कमेंट्स में लिख देना है आंसर, और मैं बता दूंगी आंसर अगर सही होगा जिसका, उसको मैं लाइक कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कट्स अगर देखे जाओ, मैं थोड़ा सा ये बता ही देती हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगी फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ठीक है, सी की वैल्यू एट हो जाएगी, और रिएक्शन रिलीज वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, आप करो एक बार ट्राई, और नहीं आएगा तो भी मैं बता दूंगी। अब एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि ये n यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्चुअली में ये मेंबर्स हैं, ठीक है, n की जगह हम m लिख देते हैं, तो ये मेंबर्स हैं, और अगर m इज इक्वल्स टू टू जे माइनस थ्री होता है तो परफेक्ट फ्रेम होता है, ठीक है, और अगर m इज ग्रेटर देन 2j माइनस थ्री होता है तो रिडंडेंट फ्रेम होता है। और जब भी आपने अगर नोटिस किया होता है रिडंडेंट फ्रेम के लिए हमें क्या करना होता है, मेंबर्स को एक मेंबर को रिमूव करके या मेंबर्स को रिमूव कर करके हम एनालाइज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेफिशिएंट फ्रेम्स जो कि अनस्टेबल होते हैं, इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो लेस देन 2j माइनस थ्री होते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद है परफेक्ट फ्रेम्स आर द फ्रेम्स विच कैन बी एनालाइज्ड टू गेट द इंटरनल मेंबर फोर्सेस एंड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस बाय यूजिंग द थ्री कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। परफेक्ट फ्रेम्स आपको समझ आ गया, जैसे हमारी जो थ्री कंडीशंस हैं हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, मतलब कि जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है उसकी हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं परफेक्ट फ्रेम्स को। ये 2D में 3 होता है, तो आपको याद रखना है 2D में 3 ही होती हैं और 3D में 6 होती हैं, ठीक है। और डेफिशिएंट फ्रेम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई, और विल डीफॉर्म इफ द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड, मतलब अनस्टेबल होंगे तो थोड़ा सा भी एक्सटर्नल लोड जो लगाया जाएगा उसी टाइम ये डीफॉर्म कर जाएंगे,